to continue this session. This is awesome group. Founder is our Nilesh Surana ji, and we are all participants. Thank you. Thank you so much, Asava ji. And आज उपस्थित सभी औसम देवी और देवताओं को मेरा प्रणाम. देवी और देवता इसीलिए कि मैंने जब से ज्वाइन किया है औसम ग्रुप, मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे सबकी भावना सिर्फ देने की है. कोई अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, कोई खुशियां शेयर कर रहा है, कोई प्यार शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे जितनी गेन करने की लेने की भावना उससे ज्यादा देने की भावना है. तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सब देवी देवता ही है हमारे. तो आप सबको पता ही है कि देवी देवता है, इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों ने मतलब देवी देवता को एक अलग कैटेगरी दिया देकर रखा है. एक्चुअली वैसा नहीं होता है. जिनकी भी भावना देने की होती है वो देवी देवता है. मतलब उस टाइम पे जब सतयुग में 33 करोड़ लोग की पॉपुलेशन थी और हर एक का भावना था कि मैं दूं कुछ ना कुछ सबको, लेने की भावना रहती नहीं थी. लक्ष्मी देवी धन देती थी, सरस्वती देवी विद्या देती थी, गणेश जी विघ्न हरता, प्रॉब्लम सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते, सब अपना देने का काम ही करता था. इन रिटर्न जो आना आता ही था बाकी सबसे. तो भावना पूरी देने की थी. आजकल थोड़ा सा कलयुग में लेने की भावना हो गई, लेवी लेवता हो गए हम लोग कि मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या मिलने वाला है. हम देख सकते हैं कि आज से जितने भी महापुरुष आए जिनको हम याद करते हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट लीजिए, चाहे प्रोफेट मोहम्मद लीजिए, चाहे गुरु नानक जी लीजिए, चाहे महावीर जैन जी लीजिए, चाहे बुद्धा लीजिए, साईं बाबा से लेके जिनको भी जो भी है, उनकी सबकी भावना सिर्फ देने की थी, लेने की किसी की नहीं. कि मुझे क्या फायदा होगा कभी नहीं था, मैं क्या दे सकता हूँ. मेरे पास जो भी है, जिनके पास प्यार है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास कोई विद्या है, जो भी है धन है, सबकी भावना सिर्फ देने की थी. तो जिनकी भावना देने की है वो देवी देवता है. उसी से बहुत सिंपल नाम है, बहुत सिंपल टर्म है वो. और कुदरत जो है ना, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, जिनकी भावना देने की होती है उनको वो छप्पड़ मार के देता है. तो ये समझना बहुत जरूरी है. मतलब अगर मैं सोचूं कि मुझे क्या फायदा, हमेशा मैं यही देखूं कि इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या फायदा है, तो फिर क्या है? मैं एक भिखारी की तरह, मेरा कटोरा हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि मैं मांगने की तरफ हूं, मैं लेने की भावना से हूं, लेवी लेवता बन के जी रहे. लेकिन अगर देने की भावना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक डैम होता है, आपने डैम तो देखा ही होगा, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ, तो yes. डैम आप देख सकते हैं, डैम की भावना क्या होती है कि मैं नीचे पानी दूं, नीचे तो नीचे जितने भी खेत है, जितने भी गांव है, उन सबको पानी मिले. जब उसकी भावना देने की है तो कुदरत है, जो यूनिवर्स है, वो मेक श्योर करेगा कि वो डैम अपने आप भर जाए. तो हमारी भी अगर भावना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को मदद करूं, दिल से चाहता हूं कि किसी की मदद करूं, और मेरे पास हो या ना भी हो, एक कुदरत मेक श्योर करेगा कि मुझे वो मिल जाए और मैं आगे दे दूं. तो मैं कब दे पाऊंगा? जब मैं ओवरफ्लो होऊंगा तभी, राइट? तो डैम को तो अपनी भरने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. डैम अपने आप ओवरफ्लो हो जाएगा, वो खुद भर जाएगा, भरने के बाद ही आगे जाएगा. मैं किसी को दिल से प्यार देना चाहूं, मैं अगर प्यार से कमी रह के दे ही नहीं सकता ना, मुझे पहले कंटेंट होना पड़ेगा, मुझे पूरा भरना पड़ेगा, तभी मैं दे पाऊंगा. तो लेकिन मुझे भरने की चिंता करनी नहीं है, प्यार देना है तो प्यार देना है, किसी को पैसा देना है, मदद करना है, जो भी हम कर सकते, विद्या देना है, जितना हम किसी को अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमारा खुद का एक्सपीरियंस उतना भरेगा. तो हम जो भी शेयरिंग करते जा रहे हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस भरेगा. तो औसम ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि सब लोग चाहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लोगों को फायदा हो, उसका नॉलेज का सबको बेनिफिट मिले. तो वो इसलिए यहाँ पे सब उपस्थित सभी मेरे हिसाब से देवी देवता ही है. और खास बात ये देखने की जरूरत है डैम की, कि ये डैम जो देता है कभी भी नीचे से फिर एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे वापस मिलेगा या मुझे वापस चाहिए. तो ये भावना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में. अगर हमारी भावना है कि मुझे देना है, बस मुझे भगवान ऐसा बनाए कि मैं सबको देता ही रहूं, लेने की भी नौबत ही नहीं आए, तो हम हमेशा भरे रहेंगे, हमको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो एक कुदरत का एक बनाया नियम है, सबके लिए लागू होता है ये चीज. तो जो भी है इसमें, जो भी हम देना चाहे, हमारे पास जो भी नॉलेज, आज इतने सीनियर्स लोग भी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना एक्सपीरियंस किया है, इतना कुछ सीखा है, अगर उस एक्सपीरियंस को लोगों को देने के लिए चालू कर दे, क्योंकि नहीं तो रह जाएगा आपके ट्रेजरी में ऐसे ही, तो वो देना चालू कर दे. जिनके पास जो भी नॉलेज है, जिन्होंने जो भी छोटा मोटा सीखा है, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा है चीज, मैं शेयर करूं. और नीलेश जी ने ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा बनाया कि यहाँ पे सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं, और अपना डैम ओवरफ्लो होना ही होना है, हमारा और बढ़ता ही जाएगा और ओवरफ्लो होता जाएगा.
देखिए हमको ये जानना है कि कुदरत जो है ना, ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, हमको बहुत प्यार करता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जिस तरह हमारा ये शरीर अपने माता पिता के बच्चा है, उसी तरह हमारा जो सोल है, जिसके अंदर हम है, हमारी आत्मा जो है, वो यूनिवर्स का बच्चा है। आप अब इनको यूनिवर्स बोलिए, परमात्मा बोलिए, गॉड बोलिए, अल्लाह बोलिए, भगवान बोलिए, जिस रूप में देखना चाहे, कुदरत बोलिए, जिस रूप में देखना चाहे, आपकी निष्ठा है, देख सकते हैं। तो ये बहुत हमको प्यार करता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। हमारे माता पिता ही हमको एक शरीर रूपी शरीर को इतना प्यार करते हैं, हम हमारे बच्चों को इतना प्यार करते हैं, तो कुदरत तो सोचिए उनका अगर हम बच्चे हैं तो कितना प्यार करता, हमेशा हमसे हम प्यार करता, हमेशा चाहता है कि हम खुश रहे, हर एंगल से हम खुश रहे। और हम ये जानना जरूरी है कि हम लोग जो है इस कुदरत के साथ कनेक्टेड है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो इस मोबाइल के सिम कार्ड, मोबाइल के अंदर डिवाइस के अंदर जैसे सिम कार्ड है ना, उस तरह है। तो मोबाइल के अंदर सिम कार्ड के द्वारा ये हैंडसेट उसी के सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड है ना। आप मोबाइल में जो भी बात करेंगे, जो भी डेटा शेयर करेंगे, आप जहां भी रोम करेंगे, जिधर भी जाएंगे, आपका हर डेटा, हर चीज सर्विस प्रोवाइडर के पास रिकॉर्ड हो रहा है, समझे ना। उसी के हिसाब से बिल आता है, जो भी है, राइट। तो हर चीज उसमें रिकॉर्ड, आपने टेक्स्ट भी किया, बाद में रिट्रीव हो सकता है। आज के डेट में सब चीज हो सकता है कि वहां सर्विस प्रोवाइडर के पास रिकॉर्डेड है, उस फलाना दिन इसने उनको मैसेज किया, क्या लिखा है, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, सब पता चलता है। उसी तरह जब एक इंसान का बनाया हुआ डिवाइस इतना सब कर सकता है, तो भगवान का बनाया हुआ डिवाइस क्या नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो यूनिवर्सल क्लाउड नेटवर्क, जो इंसान क्लाउड स्टोरेज की बात करता है, ये यूनिवर्स का पहले से बनाया हुआ क्लाउड नेटवर्क है, जिससे ये हमारा शरीर रूपी डिवाइस जो है इस आत्मा के द्वारा, आत्मा रूपी सिम कार्ड के द्वारा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा हर कार्य, हर चीज हम जो करते हैं, हर कर्म जो हम करते हैं, हर चीज हमारा रिकॉर्ड होता है। तो मनसा वाचा कर्माना जो भी करते हैं, मतलब हमने कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ किया, एवरीथिंग गेट रिकॉर्डेड। तो ये चीज समझना, ऐसा नहीं कि हम कोई अलग से कोई एक जगह है, किसी ने देखा नहीं है तो किसी को पता ही नहीं है कि हम क्या करें, ऐसा नहीं है। हम वी आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। हम शरीर से आज इस ग्रुप में, जितने भी ऑसम ग्रुप में है, शरीर से सब अलग अलग परिवार से है, क्योंकि अलग अलग परिवार में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग पैदा है। लेकिन सोल के द्वारा, क्योंकि हम सब सोर्स एक ही है हमारा, एक ही सुपर नेटवर्क है हमारा, तो उस सोर्स के द्वारा जो आत्मा हमारी है, सबकी एक ही है, आत्मा का सोर्स एक ही है। तो हम सब आत्मा के हिसाब से हम लोग आत्मा बंधु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि लोग बॉडी कॉन्शियस है, अपने आप को शरीर से ही आंकलन करते हैं कि मैं शरीर से फलाना हूँ, मैं लाहौटी हूँ, मैं सुराना हूँ, मैं आसा हूँ, मैं रावत हूँ, मैं तनेजा हूँ, वो शरीर है, हम नहीं है। आत्मा के हिसाब से तो हम लोग आत्मा बंधु है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस चीज को हमको समझना है। तो कुदरत जो है हमारा जब पिता है, हम उनके बच्चे है, तो हमको हमेशा ऑब्जर्व करता है। जिस तरह की एक माता पिता, हम अगर माता पिता है, हमारे बच्चों के हर भावना को हम समझते हैं, बराबर। वो दुखी है या इस कार्य से खुशी है या गुस्से में है, या ये खाना पसंद आया उसको नहीं आया, खाली भावना से समझ जाता है। अरे ये वाला फूड उसको पसंद नहीं है, तो अगली बार थोड़ा कुछ और इंटरेस्टिंग बनाया ताकि उसको पसंद आए। माँ बाप तो वही चाहते हैं ना कि अपने बच्चे को खुशी मिले। ये काम करने से उसको खुश मिल रहा है, ये काम करने से खुश नहीं मिल रहा है, ये करने से उसको दुख हो रहा है, ये करने से गुस्सा आ रहा है, तो वही माँ बाप करना चाहेंगे जो बच्चे को खुशी मिलती है, बराबर। तो ये इंसान जो शरीर रूपी माँ बाप इतनी सी भावनाओं को सबको समझ के, अपने बच्चों को फीलिंग्स को समझ के, उसके हिसाब से हम चेंजेस करते हैं, उसको उसके हिसाब से देना चाहते हैं, तो कुदरत भी वही करता है कि हमारी हर फीलिंग को वो समझता है, क्योंकि वो तो चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। तो वो क्या करता है, वो हमको वही देता है जिस चीज को हम एंजॉय करते हैं, जिस चीज में हमको खुशी मिलती है वही हमको देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। जिस चीज में हमको खुशी मिलती है सिर्फ वही देता है, कुदरत, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो भी बोलेंगे आप। तो ये खुशी कैसी है, एक एग्जाम उदाहरण के तौर पे, मेरा एक कोई मित्र हो, या मेरा कोई भाई हो, या मेरा कोई कलीग हो, या मेरा जानने वाला हो, उसको एक अच्छा सक्सेस मिल गया, किसी चीज में बहुत सक्सेस हो गया और मुझे खुशी हुई, अरे वाह बहुत बढ़िया हुआ, उसको बहुत बढ़िया हुआ, तो कुदरत बोलता अच्छा इसको सक्सेस में खुशी होती है, चलो इसको भी सक्सेस दे। अगर मुझे उनकी सक्सेस में दुख हुआ,
उसको ऐसे क्यों होगा, नहीं होना चाहिए था, मुझे तो हुआ ही नहीं, उसको हुआ। अगर मैं किसी की, मेरे भाई की, मेरे मित्र की, या मेरे कोई कलीग की, या मेरे कोई जानने वाले की खुशी में मुझे दुख हुआ, तो कुदरत बोलेगा अच्छा इसको वो चीज पसंद नहीं है, इसको दुख हो रहा, इसको ना दे। समझ रहे मेरी बात? अगर मुझे किसी की खुशी में खुशी हुई, तो कुदरत को लगेगा कि इसको इस चीज में खुशी मिल रही है तो उसको देना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑब्जर्व कर रहा है इस बच्चे को कौन सा खाना पसंद है, वही दे। बराबर? अगर मुझे मुझे किसी की खुशी में दुख हो रहा है, तो कुदरत बोले अरे इसको ये चीज पसंद नहीं है, उसको ना दे। उसी तरह मुझे किसी के दुख में दुख हो रहा है, अरे बेचारा ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो करूं। किसी को भी, कोई भी अपने मित्र को, किसी को कोई दुख हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ हो गया, तो उसके दुख में अगर मुझे दुख हुआ, तो कुदरत बोलेगा कि इसको वो चीज पसंद नहीं है, इसको दुख हो रहा है, इसको न दे। वही अगर मुझे किसी की दुख में खुशी हुई, बहुत उछल रहा था ना, अच्छा हुआ, ऐसे ही होता है, ऐसे होना चाहिए था। अगर मैंने ये भावना रखी, किसी के दुख में अगर मुझे खुशी हुई, तो कुदरत को लगेगा कि अच्छा इसको वो दुख में मजा आता है, एंजॉय करता है, इसको भी वो दे। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फीलिंग लोगों के लिए कैसी होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको हर चीज को सोचना चाहिए। हमको अगर यूनिवर्स से खुशी हमेशा मिलनी है, तो हमको लोगों की खुशी में हमेशा खुश होना चाहिए, और लोगों के दुख में हमेशा दुख होना चाहिए दिल से, तभी कुदरत से हमको हमेशा खुशियां मिलती रहेगी। ये एक ही स्लाइड को अगर हम, जो इस एक टॉपिक को अगर हम सोचे लाइफ में और हमेशा इसको इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ इस एक चीज के हिसाब से चले, तो हमको कुदरत से हमेशा खुशियां ही खुशियां मिलती रहेगी, कभी दुख आएगा ही नहीं। इसका नेक्स्ट लेवल अगर देखना है, ये तो हो गया दूसरों के बारे में, अब बात करते हैं अपने बारे में। कुदरत बोलता है कि आप अपने बारे में जैसे सोचते हो आपको वैसा मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे। अब हमको किसी ने बोला है, आशावाजी ने फोन करके कि सुबह आपको 5:30 को आउसम 20 में आना ही आना है। अब मैं रात में लेट से सोया, जो भी है, कुछ भी पार्टी वार्टी किया और सुबह उठना नहीं हुआ, आशावाजी का फोन, अरे आप आए नहीं, क्या बात है। और मैंने उठ के, आशावाजी अरे मेरी तबीयत ही खराब थी इसलिए नहीं आया, मैंने रात में पार्टी किया वो नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब थी, बुखार आ गया था मुझे, मैं नहीं है। जनरली बोलते हैं किसी ने शादी में बुलाया आपको और आप जा नहीं पाए, तो अरे मेरी तबीयत खराब थी, अरे मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं आई। तो हमको भगवान ने तबीयत खराब की नहीं है, हमको फैमिली में प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी मैंने बोला कि मुझे प्रॉब्लम है, तो पुत्र बोलता है तथास्तु, हमने एक अपने अकाउंट में प्रॉब्लम लिख लिया, एक बार मुझे बीमार होना निश्चित है। ये बहुत सिंपल चीज है, हमको जो चीज प्रॉब्लम नहीं है उसको भी हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम है, तो हमने अपने खुद ने अपने एक प्रॉब्लम लिख लिया अपने अकाउंट में। तो ये तो दिन हमेशा होता है, छोटी मोटी चीजों में लोग ऐसे ही जो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम बोल देते हैं, तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें काफी लोग बिजनेस में रहेंगे, तो बिजनेस में तो बहुत कॉमनली लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल स्टोर है, किसी का रिटेल का दुकान है, और वो एक वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा है और वो वस्तु उनको 80 रुपए में आता है। ग्राहक आया, बोला कि मुझे 90 में दे दो, बार्गेन कर रहा है, बोलता है मुझे 90 में दे दो। तो जनरली बिजनेसमैन क्या बोलता है, अरे इसमें कुछ मिलता नहीं, ये 95 में आता है या 98 में आता है, 100 में बेच रहा हूं, मुझे उसमें कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। कुदरत बोलता है तथास्तु, आपके जो 18 रुपए जो मिलने के थे वो कहीं ना कहीं नुकसान होकर चले जाएगा, सिर्फ 2 रुपए को ही हम एंजॉय कर पाएंगे, जो हमने बोला 2 या 5 रुपए जो भी बोला। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो लाइफ में हमको ध्यान रखने की जरूरत है। हमने तो 20 रुपए पूरा कमाया है, उस 20 रुपए को रियल में एंजॉय करना है, तो हमको कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मुझे नहीं मिला। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ग्राहक को बोले कि मुझे 80 में आया फिर भी मैं 100 से कम नहीं दूंगा। आप ग्राहक को ये बोले कि मेरा आखिरी प्राइस 20 रुपया है, मैं इससे कम नहीं दूंगा, जरूरी नहीं है आपको अपना कॉस्टिंग बोलने का। तो यहाँ छोटा सा फाइन ट्यूनिंग करना है बस, और कुछ नहीं। अपने लाइफ में जो भी हम सोचते हैं, जैसे अब लोग को पता है 93.5 FM अगर सुनना है तो फाइन ट्यूनिंग करके अगर रखेंगे तो वही गाना सुनाई देगा हमको, राइट। तो अपने लाइफ के जो हमारे विचार है, हमारे बोल है, उनको थोड़ा 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 फाइन ट्यूनिंग करना है, लोगों के बारे में भी सोचने के बारे में और खुद के बारे में भी।
तो कभी भी हमको जो भी मिला है भगवान से, कुदरत से, उसको हमको नेगेटिव कभी भी नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, तब हम जो मिला है उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना आज का जो हैप्पीनेस का जो कैसे हैप्पीनेस को एंजॉय करना है वो मैं स्टॉप करता हूँ। 4 मिनट और है तो मैं इसके बारे में सुनना चाहूंगा कि आपके विचार क्या है, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक्सेलेंट विनोद जी, बहुत ही बढ़िया सेशन, अमेजिंग। और आपके पिताजी का नाम भी लेट ओम प्रकाश जी लाहौटी है, जो शांत हो गए, मतलब सॉरी। नीलेश जी, यू कैन गिव योर ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच। मैंने सबके लिए ओपन कर दिया है प्लेटफॉर्म, अगर आप विनोद जी से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, 3 मिनट्स है हमारे पास। Was an excellent presentation with the PowerPoints. Very good, very simple, very nice. Thank you so much, sir. Vinod ji, very good morning. This is Shivanand. You know, at times, after all, we all are human being and we will certainly come across with the negative thoughts. How to stay away from the negative thoughts? What are the things we are required to do it so that the negative thoughts should not come at all? If it comes, it should get disappeared. So I would like your at least a minute on this, if you can educate to all of us. Yeah, one thing we need to understand ki dekhiye hamare life mein wahi hota hai jo ki hamare karma account mein hai, first point. Aur negative thought kab aata hai, jab matlab humko hamare life mein ek cheez ka ek attitude banana chahiye ki humko hamare life mein problem nahi aaya, uska pura prayas karna. Koi bhi problem ko lagta hai ki ye problem aayega, पूरा प्रयास करना है। लेकिन अगर अब प्रॉब्लम आ गया, अंडू तो नहीं कर सकते हम, ये समझना है कि आ गया ना, अब अंडू नहीं कर सकते, हमको इमीडिएटली अपना सोचने का डायरेक्शन शिफ्ट करना है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकले बाहर। और इसका और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि लास्ट 13-14 साल में जो मैंने ये एटीट्यूड बनाया अपना, हर प्रॉब्लम के अंदर कोई ना कोई नया अपॉर्चुनिटी निकल के आता है, अगर हम उसको पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। अगर हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के एंगल से देखेंगे, नेगेटिव एंगल से, तो वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को अनुभव करना चालू कर देते, मुझे ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, जो भी है। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम को देखेंगे, ये आ तो गया, इसमें कैसे बाहर निकले, तो इमीडिएटली हमको सॉल्यूशंस मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सोच डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो उसमें से सॉल्यूशंस मिलने चालू हो जाते हैं, और कोई ना कोई नया कोई रास्ता ऐसा मिलता है जिसमें हमको फिर से खुशियां आनी चालू हो जाती है, पॉजिटिविटी आना चालू हो जाता है। तो हमको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओवरनाइट तो नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस से डेफिनेटली इसका फायदा होता है। और इतना एक समझना है कि जो भी लाइफ में आता है ना, अच्छा बुरा, उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे लाइफ में जो भी हुआ उसके पीछे मैं ही हूँ, मेरे कर्म खाते के हिसाब से मुझे मिला है। अगर मैं उस प्रॉब्लम को जिम्मेदार अपने आप को बनाता हूँ ना, तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते अपने बारे में। कभी भी सोचिए, अगर प्रॉब्लम आपके वजह से हुआ, सामने वाले के वजह से हुआ, तो ही दुख होता है। अगर प्रॉब्लम अपने वजह से हुआ ना, ठीक है, हो गया ना, अगली बार ध्यान रखूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो अपने आप उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। Why this situation? When we commit a mistake, we just pardon ourselves, and someone else commit a mistake, we try to say one or the other. That is the attitude of human being. Thank you so much, sir. Thank you. Vinod ji, आपका बहुत ही बेहतरीन सेशन था ये, मतलब बहुत कम शब्दों में सबसे आपकी अच्छी चीज मुझे क्या लगी पता है, आपने 4 मिनट पहले सेशन खत्म कर दिया, मतलब सो ऑसम। इसको कहते हैं कि सटीक रहना, रियल रहना, मतलब बिल्कुल भी ग्राउंड रूल को 100% आप फॉलो करते हो, नो वंडर आपको इतना सक्सेस क्यों मिला है। मैं मतलब बहुत बहुत शुक्रिया था आपका, आप आए और आप ऐसे ही कंटिन्यू आते रहे। और मैं कुछ बोलना चाहूंगा नीलेश जी। या संजय जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत सही बोला है जो विनोद जी ने बोला है, ये हमने मैजिक बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से ने ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उससे हम बिल्कुल ये मान गए कि बहुत बिल्कुल एकदम ये नेचर ने जो कहा है एकदम सही है, और ये हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं, देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी को, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू वेरी मच।
विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ आपका एक परमिशन चाहिए था, आपका नंबर शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा, कॉल में जनरली बहुत बार होता नहीं उठाना, दिन भर शेड्यूल रहता है, तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल। मैं नंबर शेयर नहीं करता हूँ मैं आपका, ठीक है, अननेसेसरी आप इश्यू ना कीजिए अपने लिए, आपका मतलब। और हम हर दिन मिलते रहेंगे, और भी मौके मिले तो अलग अलग टॉपिक के साथ में मिलते रहेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे अपना। मैं आपका रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा सिर्फ आपके परमिशन से। और अगर अगर किनको जानना है कुछ और, तो एक और मेरा मतलब कॉन्टेक्ट नंबर, एक और नंबर है जिससे कि मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्टेड है, वैल्यूज इन लाइफ बाय विनोद लाहोटी। तो आप मतलब पुराने मेरे टॉपिक्स अगर आप कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जो यूट्यूब चैनल के से लिंक्ड है, इस पे आपका व्हाट्सएप करके नाम और लोकेशन शेयर कर देंगे, तो जो भी नए वीडियोस आएंगे आपको अपने आप लिंक मिल जाएगा उससे। मैं ये नंबर शेयर कर दूंगा, ये नंबर शेयर कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ताकि सब लोग अपना नाम और लोकेशन भेज देंगे, तो कंसर्न टीम है उसके लिए, वो लोग आपको नए वीडियोस के लिंक्स भेजते रहेंगे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, जितने लोग ऑसम 20 के जितने लोग थे। विनोद जी स्पेशल थैंक्स, असावा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट कर रहे हो। कल से फिर मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, नए स्पीकर के साथ, एग्जैक्टली 5:30 को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन।